हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फेस मॉइस्चराइजर की, जो कि ऑल स्किन के लिए है, लाइट वेट कंसिस्टेंसी के साथ में आते हैं और नॉन स्टिकी भी है। तो मेरे फेवरेट जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, और मतलब क्या खासियत है किस मॉइस्चराइजर की तो वो भी बता दूँगी, तो आपको चूज़ करने में आसानी होगी। क्योंकि आप लोगों के ना एक दो कमेंट मुझे आते हैं कि कुछ सजेस्ट कीजिए समर के लिए, सभी मेरे हाथ में तो नहीं आ रहे हैं, बट ये है जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करती हूँ मेरे फेवरेट की, तो ये है वो फेस मॉइस्चराइज़र जो कि है प्लम का, और ये आता है नियासिनेमाइड और राइस वाटर के साथ में। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना एकदम लाइट वेट है, बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ना आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैं इसकी इतनी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो गया है। और हाइड्रेशन भी ये प्रोवाइड करता है अच्छी खासी, तो ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो पैकेजिंग है ना ये ग्लास की है और बहुत ही मतलब प्रीमियम वाली वाइब्स देती है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, और प्राइस जो है वो 525 रुपीज़ है, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप नाइका या अमेजोन से भी इसे परचेज़ कर सकते हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से। तो बहुत ही लाइट वेट इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्व हो जाती है, बिल्कुल भी स्टिकी या ग्रीसी नहीं है, समर्स के लिए बेस्ट रहेगी। दूसरी जो मेरी फेवरेट आती है वो आती है एमोलिन क्रीम की, ये मॉइस्चराइज़र। अब आपने इसके बारे में बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा, ये एक बेसिकली फार्मेसी प्रोडक्ट है। और मैंने भी ट्राई किया, मैंने कहा यार बहुत सुन रही हूँ इस क्रीम के बारे में, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। और मैं इसकी मतलब फ़ैन हो गई हूँ मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना एकदम लाइट वेट है, और मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे फेस पे लगा भी रखा है या नहीं। और इसकी खासियत की बात करूँ ना, ये आपके फेस पे स्वेटिंग होने ही नहीं देती है, जो मुझे बहुत पसंद आई, और ये मेरी अब पर्सनल फेवरेट हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है समर्स के लिए, ये आपको अंडर 350 रुपीज़ में मिल जाएगी और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। और इसका जो फॉर्मूला है बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, अगर आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है ना तो भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरी फेवरेट जो कि है पोंड्स का सुपर अल्ट्रा लाइट जेल। इसका डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया है, आप चेक कर सकते हो। अब मैं इसे ना थोड़ा सा ब्रेक देने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे 5 से 6 बार, आई थिंक ये मेरी 6th पैकेजिंग है, 6th पैकेजिंग है जो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और इसके बाद मैं नहीं परचेज करूँगी क्योंकि और भी हैं क्यू में। तो बात करूँ इस मॉइस्चराइज़र की ना, ये एक मतलब बहुत जल्दी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ में आता है, ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी एक चीज़ क्या है ना, कभी कभी आपके फेस पे स्वेटिंग हो सकती है, एटलीस्ट मेरे साथ में ये एक्सपीरियंस होता है। बाकी फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप एक ट्राई से दे सकते हैं, ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए भी हाइड्रेशन बहुत अच्छा खासा देती है ये है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये आपको अलग अलग पैकेजिंग में मिल जाएगी, मेरे पास में है 100 ml का और इसका MRP है 240, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट। नेक्स्ट है मेरे पास में लैक्मे का ये पीच मिल्क, जो कि आता है SPF 24 के साथ में। इसका मैंने एक बेसिक वाला जो टब पैकेजिंग में आती है वो भी ट्राई किया हुआ है, और ये भी ट्राई किया है। तो इसमें कैसा है ना, ये एक मॉइस्चराइज़र के साथ में आपको SPF मिल जाता है, तो अगर आप जैसे घर वगैरह पे रहते हैं ना तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये अफोर्डेबल भी है। और लैक्मे की जो पीच मिल्क रेंज है ना यार, उनकी फ्रेग्रेंस की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो ऑल स्किन टाइप इसे लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्किन है ड्राई है तो थोड़ा अवॉइड करें, सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट ज़रूर करें। और इसमें भी आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, मेरे पास में है 60 ml वाला पैकेजिंग, और ये इसका MRP है 140 रुपीज़, लेकिन ये 120 रुपीज़ नाइका से मुझे मिल गया था। तो परचेज़ करने से पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे आई थिंक मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में पैराबीन भी देखा है और एक दो केमिकल भी हैं, तो अगर आपकी स्किन पे केमिकल्स जो प्रोडक्ट है वो सूट होते हैं तो डेफिनेटली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अफोर्डेबल ऑप्शन है अच्छा वाला। और नेक्स्ट है मेरे पास में
अगर आपको एक मतलब अच्छा लाइट वेट कंसिस्टेंसी में चाहिए तो आप ये एक्वालोजिका का ग्लो रेंज भी ट्राई कर सकते हो, जो कि जेलो मॉइस्चराइज़र है। इसे मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और ये मेरा फेवरेट था, तो ज़रूर करना चाहूँगी रीपरचेज करंट में। इसके अलावा आप ये निविया की भी यूज़ कर सकते हो, डिटेल रिव्यू मैंने दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। बाकी ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये भी लाइट वेट है, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो उनके लिए समर्स में ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट मैं ट्राई कर रही हूँ ना, दो मॉइस्चराइजर मैं ट्राई कर रही हूँ 3-4 दिनों से, जिनका डिटेल वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो एक है ये द डर्मोको की ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर, और दूसरा है ममा अर्थ का बीटरूट मॉइस्चराइजर, जो कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ में आता है और पिंक ग्लो प्रोवाइड करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो बात करूँ इसकी, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, डिटेल रिव्यूज़ जल्दी ही देखने को मिलेगा इसका। और ममा अर्थ वाला ठीक लगा, कभी कभी मुझे स्वेटिंग हो जाती है इसे लगाने के बाद में। तो इन दोनों का डिटेल रिव्यू जल्दी ही शेयर करूंगी, कंसिस्टेंसी दोनों की लाइट वेट है, मुझे अच्छे लगे। बाकी डिटेल रिव्यू में बताती हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जी लास्ट में है हमारा ये सिंपल का मॉइस्चराइज़र, मैंने इसे कॉम्बो में परचेज किया था। इसका जो फेस वॉश था वो तो मुझे सूट हुआ, बट ना पता नहीं क्यों ये मुझे सूट नहीं हुआ, जब भी मैंने इसे अप्लाई किया मुझे पिंपल हो गए और मेरी जो स्किन थी ना एक स्टेप डाउन मुझे फील हुई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ मुझे ज़रूर बताना, मेरा तो अच्छा नहीं था। अगर आपकी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। तो मिलेंगे जल्दी ही अनदर वीडियोज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप हाइड्रेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।